इन दिनों माता रानी के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। आपको हर जगह नवरात्र में माता दुर्गा की विशेष पूजा होती हुई नजर आएगी। इस पूजा का हर किसी के जीवन में विशेष महत्व है। इसके अलावा आज हम आपको बताते हैं नवरात्र और शुक्रवार के योग के बारे में। कहा जाता है शुक्रवार और नवरात्र का योग विशेष योग माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि नवरात्र के शुक्रवार को आप भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर गौरी शंकर को रुद्राक्ष चढ़ाएं। इसके साथ ही बिल्व पत्र पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शिव जी को चढ़ा दें। महादेव सारी परेशानियां दूर कर देंगे। अगर आप शुक्रवार को आटे में शक्कर मिलाकर मछलियों को खिलाएंगे, इससे बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती है। यह काम आप नवरात्र के शुक्रवार में कर सकते हैं। कोई भी पुराना काम अटका हुआ हो तो नए सूती कपड़े में जटाधारी नारियल बांधकर किसी मंदिर में रख दें, जरूर फायदा होगा। बता दें कि शुक्रवार को पीपल के पेड़ का एक पत्ता लेकर आएं और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, साथ ही उसको आप पूजा में रख सकते हैं। इससे बुरा समय खत्म हो सकता है। यह आसान से उपाय आपके जीवन में काफी ज्यादा खुशियां ला सकते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।